हेलो स्टूडेंट प्रदीप गिरी इलेवेंथ ट्वेल्थ अकेडमी में आपका स्वागत है हमने जो चैप्टर इलेवेंथ में स्टार्ट किया है वो है साउंड चैप्टर साउंड में हमने डॉपलर इफेक्ट ये टॉपिक स्टडी किया है उसमें हमने दो केसेस ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं एक है लिसनर अगर मूव कर रहा है और दूसरा अगर सोर्स मूव कर रहा है मीन्स लिसनर स्टेशनरी है सोर्स मूव कर रहा है एंड सोर्स स्टेशनरी लिसनर मूव कर रहा है अब जो हम केस स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज बोथ सोर्स एंड लिस्नर्स आर मूविंग दोनों सोर्स और लिस्नर दोनों भी मूव कर रहे हैं मीन्स दोनों एक तो अप्रोच हो रहे हैं या दोनों रेसिड हो रहे इस केस के लिए हमें जो फार्मूला दिया गया अब इसका आपको डेरीवेशन नहीं है ये एक फार्मूला है अगर ये एक फार्मूला को आप याद रखते हो तो सारे के सारे केसेस के फार्मूले आप इस एक फार्मूला से बना सकते हो तो आते हैं हमारे टॉपिक पे सो बोथ सोर्स एंड लिस्नर आर मूविंग अगर दोनों सोर्स एंड लिस्टर मूविंग कर रहे हैं एक तो अप्रोच हो रहे या फिर रिसीड हो रहे मोशन टू एन जीरो माइनस वी एल डिवाइडेड बायनस प्लस वी एस ऊपर प्लस माइनस है motion, plus minus minus plus plus minus से नीचे माइनस प्लस ये याद रखना है ठीक है देन फॉर रिलेटिव अप्रोच अगर एप्रोच हो रहा है तो पॉजिटिव साइन मीन अपर साइन लेने हैं ठीक है अगर अप्रोच हो रहा है रिलेटिव अप्रोच इसको मैं कट करता हूं रिलेटिव अप्रोच हो रहा है तो हमें लेने हैं अपर साइन ओके और अगर रिलेटिव रिसीड हो रहा है तो हम लेंगे साइन ठीक है अप्रोच के लिए अपर साइन और रिसीड के लिए लोअर साइन ठीक है ये केस समझ में आ गया चलो अब इसको यूज कैसे करते है? देख लेते अब हमारे पास फॉर्मूला है ठीक है अब देखो अब यहां हमारा सोर्स है और ये लिसनर है दोनों भी अप्रोच कर रहे हैं दोनों भी क्या कर रहे हैं अप्रोच कर रहे हैं विथ वेलोसिटी वी एस विथ वेलोसिटी वी एल ये क्या हो रहा है अप्रोच तो अप्रोच के लिए हमें कौन सा साइन यूज करना है अपर साइन तो देखो फॉर्मूला क्या होगा एन इज इक्वल टू एन जीरो वी प्लस वी एल डिवाइडेड बाय वी माइनस वी एस यहां का ऊपर अपर साइन प्लस है और डिनोमिनेटर में अपर साइन माइनस है तो न्यूमरेटर में प्लस डिनोमिनेटर में माइनस ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला ठीक है अगर रिसीड हो रहा है अगर क्या हो रहा है रिसीड ये हो गया अप्रोच के लिए अगर रिसीड हो रहा है अब सोर्स वी एस वेलोसिटी से अवे जा रहा है और लिसनर भी वी एल वेलोसिटी से अवे जा रहा है तो क्या हो रहा है रिसीड अब रिसीड केस के लिए हमें क्या यूज करना है लोअर साइन हमें क्या यूज करना है लोअर साइन देयर फॉर फॉर्मूला होगा एन इज इक्वल टू एन जीरो वी माइनस वी एल वी प्लस वी एस ठीक है लोअर साइन देखो न्यूमेरेटर में माइनस लोअर साइन है और डिनोमिनेटर में प्लस लोअर साइन है तो लोअर साइन तो इस तरह से हम फार्मूला बना सकते इस तरह से हम फार्मूला बना सकते है बाकी जो केसेस हमने स्टडी किए थे वो सारे केसेस के फार्मूला भी इससे हम बना सकते वो भी हम देख लेते हैं तो पहला हमने पहला केस लेते सपोज क्या हो रहा है लिस्नर स्टेशनरी है हमारा लिस्नर क्या है स्टेशनरी है मीन वीएल इज इक्वल टू जीरोल इज इक्वल टू जीरो और सोर्स क्या हो रहा है अप्रोच सोर्स क्या हो रहा है अप्रोच विथ वेलोसिटी वी एस तो अब ये अप्रोच है अप्रोच के लिए अपर साइन अप्रोच के लिए अपर साइन लेकिन वीएल का वैल्यू क्या है जीरो तो पुट करो एन इज इक्वल टू एन जीरो वी एल का वैल्यू जीरो है तो ये हो जाएगा वी वी एल का वैल्यू हमने जीरो पुट किया तो प्लस माइनस यहां नहीं आएगा नीचे देखो अप्रोच हो रहा है अप्रोच के लिए अपर साइन अपर साइन क्या है v माइनस वी एस अब इसका ही सेकेंड केस सपोज अब लिस्नर वन सेकेंड स्टेशनरी है लिस्नर स्टेशनरी है मीन्स वी एल इज इक्वल टू जीरो और सोर्स क्या कर रहा है सोर्स रिसीड कर रहा है सोर्स क्या कर रहा है सोर्स रिसीड कर रहा है तो यहाँ रिसीड हो रहा है अब ये अप्रोच हो रहा था अब रिसीड हो रहा है तो रिसीड के लिए हम लोअर साइन यूज करते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा एन इज इक्वल टू एन जीरो वी एल का वैल्यू तो जीरो है तो एल का वैल्यू जीरो पुट किया तो ऊपर आएगा वी रीसेट के लिए लोअर साइन तो ये होगा वी प्लस वी एस आ गया फॉर्मूला ठीक है तो ये दो केस भी इससे हम निकाल सकते हैं सपोज और थोड़े केसेस लेते हैं हम अब देखो अगर स्टेशनरी है क्या हो रहा है सोर्स स्टेशनरी हमारा सोर्स स्टेशनरी मीन वी एस का वैल्यू जीरो और लिसनर अप्रोच हो रहा है लिसनर क्या हो रहा है अप्रोच हो रहा है वेलोसिटी ये अप्रोच अप्रोच है तो approach के लिए वंस अगेन कौन सा अपर साइन यूज करना है तो फॉर्मूला क्या होगा एन इज इक्वल टू एन जीरो अब अपर साइन प्लस है सो वी प्लस वी एल डिवाइडेड बाय वी एस का वैल्यू जीरो है तो ये होगा वी ठीक है ये आ गया एक फॉर्मूला नेक्स्ट अगर लिस्नर रिसीड कर रहा है लिस्नर क्या कर रहा है वेलोसिटी से रिसीड कर रहा है और सोर्स हमारा स्टेशनरी है सोर्स हमारा स्टेशनरी है वी का वैल्यू जीरो है। और क्या हो रहा है ये रिसीड तो रिसीड के लिए हमें लोअर साइन यूज करना है सो एन इज इक्वल टू एन जीरो माइनस वी एल डिवाइडेड बाय v क्योंकि वी एस का वैल्यू तो जीरो है तो इस तरह से हम सारे केसेस इससे निकाल सकते हैं सारे केसेस निकाल सकते हैं ये तो कॉमन हो गया रिसीड अप्रोच दोनों एक नजदीक आ रहे दोनों दूर जा रहे हैं सपोज अगर हम केस लेते हैं अब सेम फॉर्मूला लिखते हैं देखो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम एन इज इक्वल टू एन जीरो V प्लस माइनस VL एल डिवाइडेड बाई v माइनस प्लस वी ये तो नॉर्मल केस हो गए और कुछ केसेस देख लेते हैं सपोज अब ऐसी कंडीशन है कि सोर्स और लिस्नर दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं सोर्स और लिस्नर दोनों भी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो सोर्स का डायरेक्शन और लिसनर का डायरेक्शन एक साथ है एक ही डायरेक्शन में मुंह पर सोर्स का वेलोसिटी वी एस का वेलोसिटी वी एस अब इस केस में क्या फॉर्मूला होगा तो अब हमें पता है अप्रोच के लिए पॉजिटिव साइन और रिसीड के लिए मिस अप्रोच के लिए अपर साइन और रिसीड के लिए लोअर साइन ठीक है तो अब सोर्स क्या हो रहा है सोर्स क्या कर रहा है सोर्स अप्रोच कर रहा है सोर्स क्या कर रहा है अप्रोच और लिस्नर दूर जा रहा है सोर्स नजदीक आ रहा है लिस्नर के और लिस्नर दूर जा रहा है तो लिस्नर के लिए क्या होगा रिसीड लिस्टर रिसीड के लिए तो सोर्स के लिए अप्रोच मीनस अपर साइन सोर्स के लिए क्या होगा अपर साइन एंड लिस्टनर के लिए लोअर साइन तो लिसनर का जहां टर्म होगा वहाँ लोअर साइन तो देखो लिसनर का टर्म अपर है तो हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे एन इज इक्वल टू एन जीरोनर के लिए लोअर साइन माइनस वी एल और अप्रोच के लिए सोर्स अप्रोच हो रहा है तो सोर्स के लिए अपर साइन वी माइनस वीएस ठीक है ये आ गया एक केस अब सपोज वंस अगेन सोर्स एंड लिस्नर वंस अगेन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन अभी डायरेक्शन अपोजिट है तो ये होगा वी एल वेलासिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है ये वी एस वेलासिटी के साथ तो नजदीक कौन आ रहा है लिस्नर नजदीक आ रहा है और सोर्स अवे जा रहा है सोर्स अवे जा रहा है तो अब इस केस में क्या है हमारा लिस्नर जो है दैट इज अप्रोच एंड सोर्स क्या कर रहा है सोर्स रिसीड कर रहा है तो so, अप्रोच के लिए अपर साइन एंड सोर्स के लिए लोअर साइन यूज करेंगे ठीक है तो देखो फॉर्मूला में अब फॉर्मूला क्या होगा एन इज इक्वल टू एन जीरो वी लिस्नर के लिए अपर साइन मीन्स प्लस वी एन एंड तो उसके लिए लोअर साइन मीन्स वी प्लस वी एस तो इस तरह से दो फार्मूले और बन जाते हैं अगर हम एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं सोर्स अगर लिसनर के नजदीक आ रहा है और लिसनर रिसीड कर रहा है या फिर लिसनर सोर्स के नजदीक आ रहा है सोर्स रिसीड कर रहा है उस टाइम पे एक ही साइन आएगा एक तो निगेटिव या फिर पॉजिटिव न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम साइन आते हैं ठीक है अब इस ये थोड़ा प्लस वाला फार्मूला ईजी है इसलिए इसको लेके और कुछ केसेस हम स्टडी करते हैं ठीक है प्लस वाला फॉर्मूला हमारा ईजी है तो इसको लेके हम कुछ केसेस स्टडी कर लेते हैं तो अब हमारा फॉर्मूला क्या है एन इज इक्वल टू एन जीरो वी प्लस वी एल डिवाइडेड बाय वी प्लस वी एस सपोज अब हम मानते हैं इफ इफ मैग्नेट्यूड ऑफ वी एल इज इक्वल टू मैग्नेट्यूड ऑफ वी एस दोनों का वैल्यू सेम है वी एल का वैल्यू भी सेम है और वी एस का वैल्यू भी सेम है तो दोनों भी टर्म इक्वल हो जाएंगे तो कट जाएंगे देयर फोर इन दिस केस एन इज इक्वल टू एन जीरो हो गया हमारा फर्स्ट केस एन इज इक्वल टू एन जीरो मीन्स एपरेंट फ्रिक्वेंसी और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है दोनों सेम होंगे फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होगा ओके सोर्स और लिसनर एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उस केस में कोई भी फ्रिक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा ठीक है सेकेंड केस इफ वी एल इज ग्रेटर देन वी एस अब वी एल का वैल्यू ज्यादा है वी एल का वैल्यू ज्यादा है और वी एस का वैल्यू कम है तो न्यूमारेटर ग्रेटर डिनोमिनेटर स्मॉल हो जाएगा तो वैल्यू ग्रेटर आएगा देरफोर इन दिस केस एन इज ग्रेटर देन एन जीरो एन जीरो को कुछ टर्म से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा एन आएगा तो एन इज ग्रेटर केस एन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी थर्ड इफ लिस्नर का स्पीड अप कम हो जाएगा और सोर्स का स्पीड ज्यादा है सोर्स का स्पीड ज्यादा है तो इस केस में अब नजदीक आ रहा है तो उस केस में अब वी एस का स्पीड ज्यादा है मीन्स डिनोमिनेटर हमारा क्या है डिनोमिनेटर ग्रेटर है न्यूमरेटर स्मॉल हो जाएगा तो उस केस में एन इज लेस देन एन जीरो तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा इस तरह से फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा ठीक है केस समझ में आया तो इस तरह से हमें तीन केस बुक में दिए गए हैं वो सिर्फ पॉजिटिव के लिए दिए गए मीन्स इस केस के लिए दिए गए हैं तो लिसनर नज़दीक आएगा और सोर्स दूर जा रहा है लिसनर नजदीक आ रहा है और सोर्स दूर जा रहा है तो अगर वी एल ग्रेटर होगा तो लिसनर ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा इसके लिए अपरेंट फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी और सोर्स अगर सोर्स का स्पीड ज़्यादा है तो सोर्स रिसीड होता जाएगा इसलिए एपरेंट फ्रीकवेंसी डिक्रीज होगी ठीक है ये समझ में आ गया तो इतने सारे केसेस हमें दिए गए हैं देन उसके बाद हमें कहा गया है द कॉमन प्रॉपर्टीज बिटवीन डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड एंड लाइट तो लाइट में भी डॉपलर इफेक्ट होता है और साउंड में भी डॉपलर इफेक्ट होता है लाइट का डॉपलर इफेक्ट हमें इतना स्टडी करने के लिए नहीं है सिर्फ इसके सिमिलरिटीज और डिफरेंस हमें दिए गए हैं ठीक है थीके? तो सिमिलरिटी सिमिलरिटीज क्या है वो हम देख लेते हैं वेन एवर देअर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड लिसनर रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट एंड द इमिटेड फ्रीक्वेंसी ओके जब भी सोर्स या लिसनर मोशन में होंगे तो जो फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई दे रही है वो चेंज हो जाएगी वही तो डॉपलर इफेक्ट होता है तो एपर फ्रीक्वेंसी एन इज इक्वल टू एन जीरो हमारा फॉर्मूला था वी प्लस माइनस वी एल डिवाइडेड बाई वी माइनस प्लस वी एस तो जैसे ही मोशन आ जाएगा मोशन की वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज होगा लाइट में भी होगा और साउंड में भी होगा तो ये सिमिलैरिटीज है देन फॉर रिलेटिव अप्रोच रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी हायर तो अगर सोर्स नज़दीक आ रहा है या लिसनर नज़दीक जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी और रिलेटिव रिसीड रिकॉर्डेड फ्रिक्वेंसी लोअर अगर दोनों दूर दूर जा रहे हैं टोर्स दूर जा रहा है या लिसनर दूर जा रहा है दोनों दूर जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी कम होगी रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इफ वी एल एंड वी एस आर मच स्मॉलर मींस वी एल का स्पीड या वी एस का स्पीड बहुत ही कम है बहुत ही कम है देन वी कैन यूज रिलेटिव वेलोसिटी तो उसकी जगह हम रिलेटिव वेलोसिटी लेते हैं क्या लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी लेते हैं तो अब हम प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है हम क्या लेंगे रिलेटिव वेलोसिटी सोर्स या लिसनर अगर मींस हमारा फार्मूला क्या था एन इज इक्वल टू चलो अगर लिसनर के लिए लेते हैं एन इज इक्वल टू एन जीरो वी माइनस वी एल अपॉन वी ये अगर हम फॉर्मूला लेते हैं तो अब यहां वी एल लेने की जरूरत नहीं यहां रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ क्या आ जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी और एन माइनस एन जीरो फॉर्मूला आपको याद रखना है ठीक है तो अगर ये स्पीड छोटा हो जाएगा तो हमें रिलेटिव स्पीड कंसिडर करना है देन ये रिलेशन हमें दिया है फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी एंड वेवलेंथ भी चेंज होगी ये याद रखना है ठीक है टी ऑफ सोर्स और लिस्नर आर नॉट अलोंग द सेम लाइन देन दे रिलेटिव कंपोनेंट आर चोजन तो अब हमें क्या कहा गया है कि अगर सोर्स और लिस्नर एक लाइन में नहीं है सोर्स और लिस्नर एक लाइन में नहीं मूव कर रहे हैं तो उस केस में क्या किया जाएगा तो यह हमारा सोर्स है अब सोर्स हमारा जा रहा है इस डायरेक्शन में तो वी एस का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और लिस्नर हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा है लिस्नर हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है ठीक है तो इस केस में क्या किया जाए इस केस में हम क्या करते हैं इस केस में वीएस का हम कंपोनेंट फाइंड करेंगे तो ये अगर थीटा होगा तो वी एस कॉस्ट थीठा तो इस कंपोनेंट को तो हम कंपेयर करेंगे सॉरी यहां वी एल होगा यहां वी एस नहीं होगा क्या होगा वीएल होगा यहाँ तो VL और VS को हम कंपेयर करेंगे तो क्या लेंगे हम कंपोनेंट क्या क्या इफ वेलोसिटी ऑफ सोर्स और लिस्टर आर नॉट अलोंग द सेम लाइन तो ये देखो सेम लाइन पे नहीं है सोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है लिस्नर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं होंगे तो हमें क्या फाइंड करना होगा कंपोनेंट फाइंड करना होगा मीन साइन के टर्म में हमें कंपोनेंट फाइंड करना होगा तो ये समझ में आ गया तो कंपोनेंट से हम फिर इसको रिलेट करेंगे ये हो गया हमारा सिमिलैरिटीज अब डिफरेंस क्या है डिफरेंस भी इजी है देखो डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस लाइट और साउंड के डॉपलर इफेक्ट में डिफरेंस क्या है पहला तो लाइट का स्पीड एप्सुलूट रहता है लाइट का स्पीड आपको पता है थ्री इंटू टेन टू एट मीटर पर सेकेंड ये चेंज नहीं होता वैक्यूम और किसी में तो लाइट का स्पीड एप्सुलूट रहता है वेराज साउंड का स्पीड एप्सुलूट नहीं रहता साउंड का स्पीड डिपेंड करता है कि आप कितने तेजी से बढ़ रहे हो तो ये एक डिफरेंस है ये एक डिफरेंस है। स्पीड लाइट का स्पीड किसी भी कंडीशन में रहता है, लेकिन साउंड का स्पीड एप्सलूट नहीं रहता दूसरा लाइट में दो डॉपलर इफेक्ट है लाइट में दो डॉपलर इफेक्ट है एक क्लासिकल एंड रिलेविस्टिक रिलेटिव इसमें है लाइट के डॉपलर इफेक्ट है लेकिन साउंड में सिर्फ एक ही डॉपलर इफेक्ट है क्लासिकल ठीक इस है इसमें साउंड में तो ये एक बेसिक डिफरेंस है अब रिलेबिस्टिक डॉपलर इफेक्ट और क्लासिकल डॉपलर इफेक्ट क्या है ये हमारे स्कोप के बाहर है या इलेवेंथ के बुक के स्कोप के बाहर है तो इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे इतना याद रखना है लाइट के दो टाइप के डॉपलर इफेक्ट होते हैं सॉरी लाइट के दो टाइप के डॉपलर इफेक्ट होते हैं एक होता है क्लासिकल एक होता है रिलेबिस्टिक और साउंड में सिर्फ क्या क्लासिकल डॉपलर इफेक्ट होता है अब लाइट के केस में लिस्नर मूव कर रहा है या सोर्स मूव कर रहा है इससे हमें लेना देना नहीं है तो वेलोसिटी ऑफ लिस्टर या वेलोसिटी ऑफ सोर्स सोर्सनर की वेलोसिटी है या सोर्स की वेलोसिटी है लाइट में मायने नहीं लगती लेकिन साउंड में हमें पता होना चाहिए लिस्नर मूव कर रहा है या सोर्स मूव कर रहा है उस हिसाब से फॉर्मूला चेंज होगा तो लाइट के लिए लिस्नर और सोर्स कुछ भी लेना मीन या जो भी ऑब्जर्वर है या फिर सोर्स है उसका कुछ लेना देना नहीं है कौन मूव कर रहा है हमें लेना देना नहीं है हमें सिर्फ रिलेविस्टिक या फिर रिलेटिव वेलोसिटी लेनी है क्या लेनी है रिलेटिव वेलोसिटी इन केस ऑफ लाइट तो लाइट के केस में हम क्या लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन केस ऑफ लाइट लाइट के केस में हमें रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए कौन मूव कर रहा है लेना देना नहीं है लेकिन साउंड के केस में कौन मूव कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है सोर्स मूव कर रहा है या लिसनर मूव कर रहा है उस हिसाब से फार्मूला डिपेंड करता है नेक्स्ट फार्मूला अगर विंड होगी तो साउंड का स्पीड चेंज होता है अगर विंड होगी तो साउंड का स्पीड एडअप होता है और अगर विंड होगी तो लाइट पे कोई भी असर नहीं पड़ता तो अगर विंड आ जाए तो साउंड के डॉपलर इफेक्ट में फ़र्क पड़ता है वेयर एज लाइट का डॉपलर इफेक्ट एज इट इज रहता है तो ये क्या थे है? हमारे डिफरेंसेज ये क्या होते हैं हमारे डिफरेंसेस आपके बुक में एज इट इज पॉइंट ये आप उसको रीड करके एज इट इज लिख सकते हो तो इसीलिए मैंने इसको सिर्फ एक्सप्लेन किया है आपको एक्सप्लेन किया है ठीक है तो ये चार पॉइंट है जनरली आपको ये डिफरेंसेस या सिमिलरिटीज पूछी नहीं जाती एग्जाम में तो ये समझ में आया तो आज हमारा साउंड चैप्टर फिनिश हो चुका है तो नेक्स्ट टाइम हम एक न्यूमेरिकल के साथ मिलते हैं या फिर हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए बाय बाय